यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कई दलों ने नेताओं के बीजेपी में की है ज्वाइनिंग। सपा सहित कई दल के नेता बीजेपी में शामिल, पश्चिम क्षेत्र के करीब 11 नेता बीजेपी में शामिल। भाजपा मुख्यालय में सभी की ज्वाइनिंग, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। कई दलों के नेताओं ने की है ज्वाइनिंग, जहां सपा सहित कई दल के नेता बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम क्षेत्र के करीब 11 नेता बीजेपी में शामिल। भाजपा मुख्यालय में सभी की ज्वाइनिंग कराई गई। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कई दलों के नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है, जहां सपा सहित कई दल के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी चुनाव को लेकर इस हफ्ते बीजेपी भरेगी दम। अगले हफ्ते 6 बड़े नेता करेंगे चुनावी रैली, सूत्रों के अनुसार कहा गया। उत्तर प्रदेश में अगले पीएम मोदी नड्डा शाह समेत 6 बड़े नेता करेंगे रैली, जहां बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश की रैली से कवर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी चुनाव को लेकर इस हफ्ते बीजेपी भरेगी दम। जहां अगले हफ्ते 6 बड़े नेता करेंगे चुनावी रैली, सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते 6 बड़े नेता करेंगे रैली। पीएम मोदी नड्डा शाह समेत 6 बड़े नेता करने वाले हैं रैली, बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी रैली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या कौन कौन से बड़े नेता रैली करने वाले हैं? देखिए, चुनावी मोड में बीजेपी पूरी तरह से आ गई है, और वो भी जानते हैं कि अगर इस यूपी चुनाव को जीतना है तो कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करनी जरूरी है। और इसका अनुमान पहले से लगाया गया था कि जो दिल्ली के बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में अपना घर बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो रैलियां हैं उनको संबोधित करेंगे, पूरे चुनावी कैंपेन को संबोधित करेंगे। और उसी कड़ी में जो सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 6 बड़े नेता, जिसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है, ये सारे बड़े जो नेता हैं ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रैली करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी जो रैलियां हैं वो करी जाएंगी, और उसके बाद कोशिश यही रहेगी इनकी कि कुछ भी करके इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बनवाई जाए। नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जहाँ सपा के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, आखिर कौन कौन से नेता हैं उसमें? देखिए, आज की अगर बीजेपी ज्वाइनिंग की बात करी जाए तो कई सारे बड़े नेता जो है वो शामिल हुए हैं, जिसमें आदिशांत त्यागी हैं जो कि विश्व त्यागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुरादनगर से। इसके अलावा बीएसपी की हेम सिंह आर्य हैं जो कि अमरोहा से आती हैं, वो शामिल हुए। सत्येंद्र सिंह यादव गाजियाबाद से हैं, टीपी सिंह है अमरोहा से, भी मार्सी के प्रवक्ता रह चुके हैं ये। और इसके अलावा पूर्व अपर मुख्य सचिव चंद्र प्रकाश जो कि पूर्व आईएएस हैं वो भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा पूर्व चेयरमैन भी हैं ब्रजेश शर्मा और उनकी पत्नी अर्चना शर्मा जो की बुंदेलखंड में बुलंदशहर से हैं, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये सारे जो बड़े नाम हैं इन लोगों ने बीजेपी आज ज्वाइन की है, और उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी जो जो जगह है, जो जमीन है, उसको और बढ़त करने की कोशिश की है। इसके अलावा विघ्नेश चौधरी भी हैं गाजियाबाद से, जो 3 बार के अंतर्राष्ट्रीय फ्री बिल्डिंग फंड पदक विजेता भी हैं। नितिन, और कौन कौन से बड़े शहर हो सकते हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बुंदेलखंड के साथ और तमाम शहरों में भी रैली की जाएगी, तो कौन कौन से शहर मुख्यतः तौर पर हो सकते हैं? देखिए श्वेता, इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए पश्चिम सबसे मजबूत कड़ी 2017 के चुनाव में था, क्योंकि पश्चिम में कहा जाता है कि किसानों का और जाट समुदाय का जो वोट था वो बीएसपी के खाते में आया था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर किसान नाराज था, और एक लंबे समय से जो प्रदर्शन किसान कर रहे थे उससे भी वो नाराज थे। तो ऐसे में सवाल यही हो रहा था कि क्या ये किसान जो है ये इनको मनाने में बीजेपी कामयाब होगी कि नहीं होगी। हालांकि कृषि कानून को वापस जरूर लिया गया है, लेकिन अभी इनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर वो अभी भी बनी हुई है, और उसको देखते हुए सरकार क्या फैसला लगी है देखना होगा। तो ऐसे में जो पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर किस तरह से इन किसानों को और जाट समुदाय को, इन लोगों को मनाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। तो पश्चिम सबसे अहम है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। उसके अलावा पूरब की बात करी जाए तो पूरब में भी बहुत अच्छा जनाधार
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार कुछ और समस्याएं हैं क्योंकि पूरब की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो अखिलेश यादव के साथ आ गई हैं, तो पूरब भी कहीं ना कहीं संभालना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। और इसके अलावा जो मध्य यूपी है वहां पर बीजेपी का जनाधार 2017 में भी मजबूत था और इस बार भी बताया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत है, लेकिन शहरी क्षेत्र होने के नाते जो बेरोजगारी की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, कोरोना की समस्या है, इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लड़ना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।